यस बच्चों, कल मींस लास्ट डे हम कुछ पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था बायो सेवर्ट लॉ। ओके थिंक ये था वेक्टर डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू वेक्टर आई डीएल कॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। यस, ये आया था। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो अपने आप होगा वो स्मॉल सेगमेंट डीएल की वजह से। तो आपको ये पूरे वायर का निकालना हो तो क्या करेंगे, तो उसमें एक लाइन आगे कर दूंगा द रिजल्टेंट, इसी में बेटा आगे लिखना द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर, ड्यू टू द होल कंडक्टर कैन बी ओपेंड बाय इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन ओवर द होल कंडक्टर, ओवर द होल कंडक्टर दैट इज ये। बस या छोड़ दो, अब इसी का यूज करके हम लोग आगे अभ्यास करने वाले हैं। ठीक है, फोर कंडक्टर डीवी ये क्या जगह का होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड पी इज इक्वल टू डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल क्रॉस ओवर आर अपॉन एयर। इस स्टेटमेंट का यूज करके अब हम कुछ करने वाले हैं। ठीक, ओके, सो नाउ द टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट कैरिंग करेंट। देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, एक ये वायर लिया आपने, ठीक, और यहां पर कहीं पर भी एक आप एक पॉइंट वो ले लो बीच में कहीं पर भी, ये जो वायर है इसको हम लोग ए बी कह सकते हैं, एंड दिस इज द पॉइंट पी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ टू पी इज एक्स, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। हियर वी एज्यूम अ स्मॉल सेगमेंट डीए, ये स्मॉल सेगमेंट है और इस स्मॉल सेगमेंट का जो डिस्टेंस है इट इज एल, यानी कि ओ से एल डिस्टेंस पर आपने एक डीएल सेगमेंट लिया है।
एंगल ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर डेफिनेटली दिस एंगल इज थीटा. नाउ हम इसको सी पॉइंट मान लेंगे. एक काम करते हैं इसको हम अलग और चीजों से मतलब फाइल मारते हैं उसको आगे वाले को दिखे ठीक है. और ये एंगल फाइल है और ये एंगल आप थीटा मान. दिस इज द पॉइंट. ध्यान देना एक एबी एक बहुत लंबा वायर है जिसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्स है, पॉइंट बी है जहां पर हमें इंटरेंस निकालनी है. तो हम ये हम पहले इससे निकालेंगे बच्चों, इससे निकालेंगे इसका इसका यहां पर कितनी इंटरेंस है, फिर उसको यहां से यहां तक इसके पूरे को इंटीग्रल करेंगे थोड़ी देर के बाद, तब मैं आपको बताऊंगा. ओके सो नाउ नोट डाउन लेट अस कंसीडर a long straight wire AB. Long straight wire AB carrying current capital I capital I and capital P be the point at a distance small x distance small x from the wire where magnetic field is to be calculated. Now let us consider a small current element dA. At a distance small L. From the center of the wire O. And small r be the distance of point P from current element. Now, according to Weyl-Savart law, the magnetic field at a point P due to a small element dl of the wire is given by I dA sin phi upon r. ये हमने अभी जो लास्ट दे निकाला था उसका फॉर्मूला आ गया. कितना आ गया?
dv is equal to mu mod over 4 pi r dl sin phi upon r square. इसे आप एक्सप्रेशन फर्स्ट मान लो, ठीक। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल POC, राइट एंगल ट्रायंगल POC, बच्चों ध्यान देना करना क्या है अपने को, हमारी कहानी इसकी ये है कि हमें इस पूरे से निकालना है इस पूरे को, इस बारे में। तो हम क्या करेंगे, इसे करेंगे इंटीग्रल। लेकिन जब आप देखो कि इंटीग्रल करने पर दो चीजें हैं जो वेरी कर रही हैं, पहला फाई और दूसरा आर। यानी कि यदि आप dl को ऊपर नीचे करोगे तो क्या क्या चेंज होगा, फाई और आर, फाई और आर। यहाँ आर अलग है, यहाँ आर अलग है, यहाँ यहाँ अलग, फाई भी अलग है। यानी कि अब समस्या ये है कि हमको इन फाई और आर को किसी ऐसे उसमें कन्वर्ट करना है जो एक ही हो, कि हम इंटीग्रल जो करेंगे वो या तो फाई से कर सकते हैं या आर से या कोई थर्ड हो, लेकिन एक साथ दो का इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है। तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल पीओसी साइन फाई कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये एल और ये आर, तो ये क्या है अपने को, एल अपॉन आर, ठीक है। एल अपॉन आर सही है क्या, सही लिखा है मैंने, क्या मैंने सही लिखा है? नो सर। हाँ तो बोलते भी नहीं भाई सर, एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर आएगा क्योंकि एंगल तो ये है, ये थोड़ी है, यहाँ पर कितना आएगा, एक्स अपॉन आर, ठीक, जो कि कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये क्या, साइन फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, सही है क्या, ये इसको देखोगे तो यस सर सही है, एक्स अपॉन आर, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको आप ट्राई तो आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा एक और है, वो है टेन थीटा, टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना पर है, ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा अपने को, एल अपॉन एक्स, एल अपॉन एक्स, तो एल इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। यदि आप इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स तो कॉन्स्टेंट है, इसका होता है sec स्क्वायर थीटा। सो फाइनली dl इज इक्वल टू एक्स sec स्क्वायर थीटा d थीटा, कितना आ गया, dl इज इक्वल टू एक्स sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। Now, substitute these values in equation first. तो ध्यान देना बेटा, dv is equal to mu naught upon 4 pi i, तो i आ गया
डी आर कितना है ये लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है एक्स टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन फाइव कितना होता है यहां क्या जाएगा देखो, कॉस थीटा अपॉन आर, आर कितना है, आर है एक्स कॉस थीटा, बेटा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो एक्स सेक थीटा लिख सकते हो क्या, आर एक्स अपॉन कॉस थीटा को एक्स सेक थीटा, तो आर का करेंगे इसको आया तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, प्यारे बच्चों x से x कट गया, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट जाता है, तो नाउ यू है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन x cos थीटा d थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन एक्स कॉस थीटा। यदि यहां तक हो जाए तो बेटा यस बोल देना कोई भी दो अच्छे, पर नहीं हुआ तो नो बच्चे हो गया। इस पॉइंट सी को यदि आप ऊपर नीचे कराओगे, इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ सी द वैल्यू ऑफ फाइ और आर विल बी चेंज, बट नाउ इन दैट कंडीशन only the value is theta which will be changed because I constant है, क्योंकि I इसमें से current pass कर रही हूँ, और x क्या है, it is the perpendicular distance जो कि fix होता ही होता है, वो तो बदलेगा ही नहीं। अब आपको करना क्या है, you want to know the total intensity of magnetic field due to AB, तो आप क्या करोगे, आपको इसका करना पड़ेगा इंटीग्रल, तो जो थीटा की वैल्यू है वो कहां से कहां तक बदल रही है, ये है थीटा वन और ये है थीटा टू। अब इस डायग्राम को पूरा कीजिए, थीटा वन ये है और थीटा टू ये है, यानी कि ए पी ओ थीटा टू है और ओ पी डी थीटा वन है, ओके लिखिएगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर ए बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल कंडक्टर ए बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग एवर इक्वेशन विद इन under proper limit, not within under proper limits, तो क्या हो जाएगा, that is we have B is equal to θ
theta 1 to theta 2 mu naught upon 4 pi into I upon x into cos theta d theta. प्यारे बच्चों सही दिखा रहा है, कोई गलती तो नहीं की मैंने? सोच लो, कभी कभी मास्टर भी गलती कर देते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं। सर x स्क्वायर था सर। क्या बेटा? सर नीचे x स्क्वायर था। नीचे x स्क्वायर था? ना मुन्ना ना, इस x से ही एक्स्ट्रा कर गया तो बेटा। और कोई बताओ सर, कांस्टेंट टर्म्स बाहर निकाल दो तो वो तो कभी नहीं करते। सर थीटा 1 तो थीटा 2 होगा, थीटा सर डीबी का भी इंटीग्रेशन होगा सर। हां तो करो ना, गलती क्या है? कुछ नहीं है मेरे सर, तू मेरा सच्चा मेरा स्टूडेंट है, गुरु ने कह दिया वो फाइनल है। जो भी इसमें गलती बताएगा मैं उसको वर्चुअल ट्रॉफी दूंगा। सर लिमिट लिमिट की दिक्कत है सर, लिमिट थीटा 1 ऊपर होना चाहिए और थीटा 2 नीचे होना चाहिए। 1 by 1 बोलो क्या बेटा? सर लिमिट में थीटा 1 ऊपर होना चाहिए और थीटा 2 नीचे। ना ना वो ठीक है, क्योंकि थीटा से थीटा 2 का पता है ना, यहां से ऊपर का करना है, करंट बी से जा रहा है ना, ए से भी थीटा 1 होगा सर, क्योंकि वो थीटा जो एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है सर उल्टी डायरेक्शन में, तो थीटा 1 ऊपर आएगा। नहीं सर वो साइन चेंज हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। कौन बोल रहा है ये? आमिर। आमिर तुझको एक मेरी ओर से वर्चुअल ट्रॉफी, वेरी गुड, तालियां हल्की दी है बेटा। ये माइनस आएगा क्यों? क्योंकि आप देखो ये है एक्स एक्सिस, तो जो भी एक्सिस है तो ये नीचे चला गया, ऊपर है, तो आपको पढ़ा नहीं मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट्स बदल जाते हैं तो उसके साइन भी बदल जाएंगे, तो इट्स नॉट थीटा 1, इट विल बी माइनस थीटा 1 टू थीटा 2, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन एक्स को कॉमन निकाल देंगे बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट, आई इज कॉन्स्टेंट, एक्स इज कॉन्स्टेंट। प्यारे बच्चों cos थीटा का कितना होता है इंटीग्रल? साइन थीटा माइनस माइनस साइन साइन थीटा। हां तो लिमिट माइनस थीटा 1 को थीटा 2, वर्चुअल ट्रॉफी के साथ वर्चुअल पकड़ भी पड़ता है कभी कभी, है ना? हां सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन एक्स साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, राइट? नो सर प्लस। ठीक है, साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन एक्स। आप जानते हो बेटा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, राइट? यस सर। यस सर। हाँ तो ये जगह माइनस प्लस, तो अब प्लस हो गया तो किसी को भी पहले लिख दो, किसी को भी बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो दिस इज द आंसर, B is equal to mu naught upon 4 pi into I upon x sin theta 1 plus sin theta 2. This is the magnetic field due to the long and long and long current carrying conductor. Okay? If ये तो इसका बड़ा आंसर ही आ गया, अब एक नाम आगे बढ़े किसी में हम लोग, फिर लिखिए if the wire
is of infinite infinite length. तो बच्चों इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या है पता है आपको? जब इसकी लेंथ बढ़ेगी, ध्यान से बेटा, ये लेंथ बढ़ेगी इसकी ऐसे ऊपर की तरफ, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, सिर्फ एक डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, ऊपर के नीचे भी, ऊपर नीचे तरफ, तो जो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा हाथ देखना बेटा, मेरा हाथ ये देखो अभी, ठीक है? अब जैसे जैसे ए लंबाई बढ़ेगी तो क्या होता जाएगा, ये देखो हाथ, ये आपका ऐसा ऐसा ऐसा, और यदि ए पहुंच जाएगा इनफाइनाइट पर तो थीटा टू कहां पहुंच जाएगा, क्यों भाई? 90 डिग्री पर, 90 डिग्री, 90 डिग्री बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही बी भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो इफ, यहां पर ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बच्चों कि यदि ये इफ द स्ट्रेट वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग then theta 1 and theta 2 are equal to pi by 2. Pi by 2. ठीक, then फिर उसको b is equal to mu naught upon 4 pi into I upon x sine 90 plus कितने हुए? 1, 2 आंसर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 आई अपॉन एक्स, कितना आ गया 2 आई अपॉन एक्स। प्यारे बच्चों यहां पर 2 से इस 2 को काटने की गलती मत करना, प्रश्न ये क्यों तो ना करें, हम तो करेंगे, सर वो इसकी वैल्यू है अपने पास, हाँ काटने में बड़ा बुराई नहीं है, यू कैन कट ओके, लेकिन क्या होता है बच्चों कि जल्दबाजी में हमें ध्यान नहीं रहता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 7, है ना, और यदि आपने सिटू सिटू काट दिया तो आपको ध्यान दिया आपने इसकी सीधी रख दी वैल्यू, तो आंसर में जस्ट हाफ का अंतर आ जाएगा, वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू हाफ हो जाएगी, इसलिए कभी मत कीजिएगा 2i को अलग लिखिए और इसको अलग लिखिएगा, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, नहीं तो ये आपको दिक्कत देगा, ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब यहां पर ये तो तय हो गया कि ये तो तय हो गया यहां पर कि भाई ये यहां पर ये जो वैल्यू बी की वैल्यू आ गई वेक्टर बी, ये पॉइंट बी पर, अब इसकी दिशा कैसे पता लगेगी, डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, बताओ कोई मुझे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, सर अगर इनफाइनाइट है तो फिर तो सेंटर से ही होगा, नहीं सेंटर से नहीं, बात रही कि इसकी बी की डायरेक्शन, यहाँ पर बी इतना आ गया, ये बी आ गया, मतलब बी की वैल्यू उसका जो डायरेक्शन कौन सा है, क्योंकि आपको पता है ना कि बी, हाँ कैसे निकालोगे, फिर थंब रूल से, थंब रूल से निकालो भाई, बता दे मुझे मुझे क्या करना है, क्या है थंब रूल, तो बोर्ड के अंदर जाता हुआ, बिल्कुल सही है, कौन बोला, Yes. Good. मैं अब सामने आ रहा हूँ, बहुत अच्छे, इसको थोड़ा समझ लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अभी इसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ये इसमें क्या होता है ध्यान देना बेटा कि किसी वायर में से यदि करंट पास कर रहे हैं, द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर
एंड दिस थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करेंट. ध्यान रहे बेटा, इफ थंब मैंने जैसे मान लो, कैसे मानो, हाँ ये ना मान लो, ये देखो बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा ये वायर है मेरे हाथ में, ये इसमें से करंट पास हो रहा है और वो करंट, तो आप इसको ऐसे पकड़ लो, तो यदि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा ये, ठीक है. यानी कि इफ यू pick the wire, current carrying wire like that, and thumb is the direction of current, so the curly fingers gives the direction of magnetic field. अब देखिए सामने, फिर मैं भाई पहुंच रहा हूं, क्योंकि बच्चों ध्यान में बेटा, ये वायर ऊपर जा रहा है, तो यदि आप इसको ऐसे पकड़ोगे, ऐसे ये अंदर चल रहा है, तो ऐसे आ जाएगा, तो इधर वन थिंग इज क्लियर, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. बस क्वेश्चन ये है इनवर्ड और आउटवर्ड, तो यहां से यदि यहां निकालोगे तो बेटा इनवर्ड हो जाएगा, और इधर निकालोगे तो वो बाहर आएगा, यानी कि आउटवर्ड हो जाएगा. तो इसी बात को लिख लीजिएगा, एज पर राइट हैंड थंब रूल, एज पर राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू द is perpendicular to the plane containing vector dl and vector r, matlab vector dl and vector r, and is directed into the and is directed into the plane of paper. ठीक. And last record, Ranjan Ragna. The variation of magnetic field due to infinitely long current carrying conductor with distance small x from the conductor is u. ध्यान देना, ना तो वो एक्स एक्सिस से टच करेगा और ना ही वाई एक्सिस करेगा, दोनों मिल जाएगा. ओके बच्चों, ये था आपका एक हिस्सा. हालांकि अभी एक दो मिनट बाकी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा पहले छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद का जो है वो सेकंड वाले ग्रुप
अभी जो आपने पढ़ा ये दिखाई दे रहा है आपको, ये किसका है? ये है कि वायर के बारे में है कि वायर सीधा है। अब हम वायर को घुमा करके कॉइल बना देंगे, कॉइल, और कॉइल बनाने के बाद उस कॉइल में मान लो कि एक आर रेडियस का एक सर्कल बना दिया, उसमें से करंट पास करेंगे और फिर देखेंगे कि वो करंट उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो हम लोग अभी 10-5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से पढ़ते हैं, तब तक के लिए साईं राम ना। सर एक डाउट था सर। हाँ हाँ।